हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरो चार्ज। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपना फिल्टर जो है उसकी बेसिक सर्विस कैसे कर सकते हैं। यस, हमारे फिल्टर में मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें एक साफ पानी पीने को मिलता है, लेकिन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर है वो है आपका सैंड या डस्ट फिल्टर, जो आपके प्यूरिफायर के बाहर लगा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो हमारा बेसिक डस्ट या सैंड फिल्टर है उसे हम कैसे रिप्लेस करें ताकि इनिशियल इम्पोर्टेंट फिल्ट्रेशन जो है वो अच्छे से हो, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी इम्पोर्टेंट फिल्टर्स हैं वो खराब ना हो और उनकी लाइफ काफी लंबी चले। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड सी व्हाट इज द बेसिक वे टू क्लीन अवर सैंड एंड डस्ट फिल्टर एंड हाउ टू प्रोलॉन्ग अवर लाइफ ऑफ अ फिल्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस फिल्टर को हम क्लीन करने वाले हैं वो है ये एक्सटर्नल फिल्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है बिकॉज ये आपकी बेसिक क्लीनिंग जैसे सैंड, सिल्ट, डर्ट, रस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। इनिशियली ऑलमोस्ट 95% ऑफ द डस्ट जो है या डर्ट जो है या सैंड जो है उसको फिल्टर करता है, एंड उसके बाद बाकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर बिकॉज इट हेल्प्स इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ अदर फिल्टर्स, जिसकी वजह से आपका फिल्टर जो है वो काफी सालों तक बिना किसी परेशानी के चलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लीनिंग ऑफ दिस फिल्टर। प्लीज मेक श्योर दैट बिफोर चेंजिंग द फिल्टर हम फिल्टर का पावर कॉर्ड निकाल लेते हैं एंड उसका वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं। सो यहाँ पे दो लॉक्स लगे हैं, इन्हें पहले हम अंदर प्रेस करेंगे और उसके बाद पाइप जो है पुल करेंगे। ये देखिए, मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस कर रहा हूं एंड पाइप जो है पुल कर दिया। सिमिलरली मैं इस तरफ से भी रिपीट कर लेता हूं एंड पाइप जो है, इनलेट एंड आउटलेट पाइप जो है वो निकल गया। नाउ सिंपली हम इसे अपवर्ड्स प्रेस करेंगे एंड ये फिल्टर जो है बाहर आ गया। Now let's open it and clean it and then we will install it back. क्लीन करने के लिए हमें इसका ऊपर का कैप ओपन करना है। ये सर्कुलर मोशन में ओपन हो जाता है जैसे नॉर्मली एक टैप ओपन होता है। इन केस अगर ये आपका बहुत टाइटली बंद है तो हर फिल्टर के साथ एक डस्ट फिल्टर ओपनर भी आता है। इसके लिए हम इसके अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं ऐसे एंड यहाँ पे ग्रैब करके इसे ओपन कर सकते हैं। एंड देन वी विल सी कि कार्ट्रिज कितना गंदा है। नाउ ये ओपन हो गया है। सो नाउ यू कैन सी दैट द डस्ट फिल्टर और द सैंड फिल्टर इज वेरी डर्टी। सो हमें इसे रिप्लेस करना होगा। आइडियली हर 3 to 6 months में रिप्लेस करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे पानी कितना गंदा आता है। वी विल थ्रो दिस आउट एंड वी विल क्लीन दिस फिल्टर। उसके बाद हम इसके अंदर एक नया कार्ट्रेज इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लीनिंग। तो नाउ इन दोनों को हमें क्लीन करना है। सो हम नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेते हैं पहले इसे। मैंने एक नॉर्मल पानी से इसे रिंस कर दिया है। अब मैं हल्का सा लिक्विड सोप लेके इसे क्लीन करूंगा ताकि ये प्रॉपरली क्लीन हो। अब मैं एक छोटा सा ब्रश लेके उससे क्लीन कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा हो गया। अगर आपके घर में बॉटल क्लीनर है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं क्लीन करने के लिए। अब मैं इसे एक फाइनल फिल्टर के पानी से वॉश कर लेता हूं। सो एक्सटर्नल केसिंग की क्लीनिंग हो गई है। नाउ लेट्स इंस्टॉल द फिल्टर। सो आज जो मैं फिल्टर यूज करने वाला हूं वो है पेंटेक्स का P1 फिल्टर। किसी भी लोकल शॉप पे, फिल्टर शॉप पे जाके बोल सकते हैं कि एक सैंड फिल्टर चाहिए। ये 100 rupees का मिल जाता है। सो दिस इज स्पेसिफिकली 5 micron, अगर आप देख सकते हैं तो। सो 5 micron मीन्स कि ये 5 micron तक के डस्ट पार्टिकल उसको भी रोकेगा फिल्टर में जाने के लिए। सो आप जो है 5 micron कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज नॉर्मली 5 micron ही यूज होता है। लेट्स ओपन इट एंड देन इंस्टॉल इट। नाउ इसे हम कट कर लेते हैं एंड इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नया फिल्टर कितना क्लीन है और पुराना फिल्टर कितना डर्टी था। सो आप खुद देख सकते हैं कि ये फिल्टर चेंज करना कितना इम्पोर्टेंट है ताकि आपके फिल्टर के बाकी पार्ट जो है उनकी लाइफ बनी रहे। वन इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर बिफोर इंस्टॉलिंग इज कि इसे हम एक या दो बार वॉश कर लेंगे
ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉश करने से जितने भी इसमें रेशे होंगे या फिर जितने भी इसमें केमिकल्स होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसमें यूज हुए होंगे वो सब क्लीन हो जाए और वो रेशे जो है आपके फिल्टर में जाके फंसे ना। तो इसे हम क्विकली वॉश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें रेशे निकलते हैं। सो अब इसे हम एक बार फिर से वॉश कर लेते हैं। नाउ अब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर बैठ जाता है एंड ये सर्कल जो है ये ऊपर के सर्कल में फिट होगा एंड उसके बाद इसे हम क्लोज कर लेंगे। ये जो है क्लोज हो गया। अब इसे हम वाइप करते हैं एंड उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। ये दो होल्स हैं, इन दोनों होल्स में हम उन दोनों नट्स को बिठा देते हैं यानी ऑटोमेटिकली वापस लग जाएगा। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एंड ये जो है इंस्टॉल हो गया है। सो नाउ ये आपकी इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, इसे हम वापस इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपली हम इसे इंसर्ट करेंगे एंड इसे बाहर की तरफ पुल करेंगे और ये लॉक हो जाएगा। सिमिलरली हम आउटपुट वाली पाइप को इंसर्ट करेंगे, इसे बाहर की तरफ पुल करेंगे और ये लॉक हो जाएगा। नाउ लेट्स टेस्ट की कोई लीकेज तो नहीं है। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो लीकेज, ना ही यहां से कोई लीकेज है ना ही इन एंड से कोई लीकेज है। सो दैट मीन्स कि फिल्टर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। अब हम फिल्टर को ऑन करके देख लेते हैं कि पानी जो है इसके अंदर आ रहा है या नहीं। सो लेट्स टेस्ट दैट। सो अब आप देख सकते हैं जो फिल्टर का वेस्ट वाटर पाइप है उसमें पानी आ रहा है। दैट मींस जो फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, यानी पानी फिल्टर हो रहा है और वेस्ट वाटर जो है बाहर आ रहा है। सो दिस कंफर्म्स दैट द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द कार्ट्रेज वाज सक्सेसफुल। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज आफ्टर चेंजिंग एनी कार्ट्रेज इन द फिल्टर वी शुड थ्रो द फर्स्ट वाटर। सो बेसिकली आपके टैंक में जो भी पानी भरेगा अब उसे आप एक बार थ्रो कर लीजिए एंड उसके बाद यू आर गुड टू यूज द वाटर। So this is a simple way of cleaning the filter so that आपके parts जो है वो long run में maintain रहे और आप जो है एक साफ पानी पीते रहे। So this was all for today's video. I hope आपको मेरा video पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो please like, share and subscribe to my channel so that मैं आपके लिए ऐसा content बनाता रहूँ। Thank you so much for watching. जय हिंद।